बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 शुरू करने लगे हैं। ये जो है ये सफ़ा नंबर 54 पे है। पहले 10 सवालों के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप इसे साइंसी तरकीब यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है 5 5 6 6 0 0 0। अब जनाब देखें कि इसका 0 यहाँ पे है ना, इसको आपने उठा के यहाँ पे लाना, ठीक है। तो कितनी जंपे लगवाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा 5.566 × 10^6। ये जो बाकी रकमें हैं ना, ये इनको छोड़ना नहीं है, इनको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 0.224। अब इसमें इशारिया यहाँ पे है, इसको उठा के आपने यहाँ लाना है, ठीक है। अब इशारा इशारिया के लिए आप जो मूव कर रहे हैं वो राइट साइड को जा रहे हैं ना, तो क्या होगा 2.24 × 10^-1, क्योंकि अब आपने राइट पे मूव किया है, यहाँ पे आप लेफ्ट को मूव कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, 0.00023। इसमें भी देखें इशारिया यहाँ पे है, इसको आपने उठा के लाना है यहाँ पे। कितनी जंपे होंगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो होगा 2.3 × 10^4 जंपे लगाई ना, और राइट साइड की तरफ गए हैं -4। मैं तीनों के जवाब एहतियातन देख लूँ ज़रा, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.00006666। इसमें देखें इशारिया कहाँ पे, यहाँ पे, उसको आपने उठा के कहाँ लाना है, यहाँ पे। एक रकम के बाद लाते हैं ना, तो कितनी जंपे लगी इशारिया की, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 6.66 × 10^-5। जवाब चेक कर लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 404.4। अब जी इशारिया कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको लाना कहाँ है, यहाँ पे। तो जंपे कितनी, यहाँ से 1 और ये 2 जंपे है ना। तो क्या हो गया 4.044 × 10^4, डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड पे, तो 2। जवाब चेक कर लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 99.99 लिखा हुआ। इसमें यहाँ इशारिया, इसको उठा के यहाँ पे लाना है, तो क्या हो जाएगा 9.999। अब इशारिया लेफ्ट पे मूव कर रहा है ना एक पोजीशन, तो 10^1 लिखते हैं, सिर्फ 10 लिखते हैं, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी मैं गलत कहा था, पहले 6 सवालों के लिए उन्होंने कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, 7वें से लेके 10 तक वो ये कहते हैं कि आम तरकीब यानी कि रेगुलर नोटेशन में लिखें, उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ 0.96 × 10^6। अब 10 की पावर पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये कि इशारिया जो था वो असल में इधर कहीं था, और वो लेफ्ट को मूव किया होगा ना, 10^6 है। जब 6 पावर पॉजिटिव होती है, आपको याद होगा जैसे ये सवाल था हमारा कि ये जवाब आया ना, इसमें इशारिया यहाँ 10 की पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये था ना कि इशारिया कहीं इधर कहीं मौजूद था, मुझे नहीं पता, मैं वैसे बात करता हूँ कि बस यहाँ कहीं मौजूद था, और इशारिया ने फिर लेफ्ट साइड में मूव किया था ना, तभी पावर पॉजिटिव है ना। और कितने जंप्स लगाए थे, 2, इसका मतलब ये कि इशारिया यहाँ पर था। इसी तरह अगर इशारिया
अब सॉरी 0.96 लिखा और 10 की पावर 6 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि इशारिया कहीं यहाँ पे करके था, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात नहीं कर रहे, और यहाँ से फिर वो मूव करके इधर 0.96 पे आया था, यानी कि इशारिया लेफ्ट साइड को मूव किया था। और कितनी पोजिशन उसने लेफ्ट साइड पे मूव की थी? 6। तो जी आप 96 लिखें। अब यहाँ से अब आपने वापस वापसी का सफ़र शुरू करना ना, ठीक है, तब आप राइट हैंड को मूव करेंगे, क्योंकि इसको आम तरकीब में लिखना, ये उसका उल्टा हो रहा है बिल्कुल। तो ये जी यहाँ पे था ना इशारिया, फ़र्ज़ करें मैं अभी लगा रहा हूँ, मैं आप बाद में मिटा दूँगा, तो एक पोजीशन आई, दो आई, अच्छा छः करनी है ना, तो ये तीन तीन पोजीशनें आ गई, देखे ना, एक पोजीशन, ये दो पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये पहली पोजीशन, अभी भी छः तक नहीं पहुँचे, एक और लगाएं, ये चौथी पोजीशन, अभी भी छः नहीं हुआ, ये जी पाँचवीं पोजीशन, अभी भी काम नहीं हुआ, एक और जीरो लगाएं, ये छठ, अब छः हो गया। तो इशारिया ये सारा सफ़र वापसी का उसने किया, और आप ये इशारिया आपका यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो अब ये रकम क्या हो गई? 96, 1, 2, 3, 4, ये आपका जवाब आ गया, ठीक है। याद रखिएगा कि जब हम इधर बात करते थे, हम साइंसी तरकीब में लिखने के लिए कहते थे कि इशारिया को इधर राइट साइड पे मूव करके आना है, तो नेगेटिव पावर लगाते थे जितनी पोजीशन जंप करते थे। जब हम इशारे कहते थे कि लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, जितनी पोजीशन मूव करेगा हमने उतना पॉजिटिव पावर लगाते थे। यहाँ पे बात हो रही है रेगुलर तरकीब में लिखने की, साइंटिफिक में दिया हुआ उसको रेगुलर नोटेशन में लिखना है, तो उसके लिए इसका एक तरह से उल्टा होगा, ठीक है। तो 10 की पावर 6 है ना, वह इशारिया यहाँ पे है, तो आपने फिर जंप करना शुरू करना है। अब आपने एक और दो जंपें लगाई, तो यहाँ तो बाकी कुछ भी नहीं है ना, लेकिन आपने ये 6 तो पूरा करना है, फिर आप 0 लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर आप इसको उल्टा करके ज़रा बात को समझने के लिए करना चाहते हैं, तो हम एक दफ़ा वो भी कर लेते हैं, ताकि आपके दिन में बात पुख्ता हो जाए। अब देखिए इसमें इशारिया यहाँ पे है ना, अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा ये इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं क्या लिखूँगा? 9.6 × 10^5। लेकिन उन्होंने 0.96 दिया है, उन्होंने कोई भी वजह होगी, उन्होंने 9.6 नहीं लिखा, 0.96 लिखा है, तो फिर मुझे ऐसे करना पड़ेगा, एक और इशारिया की जंप लगाऊंगा ना, जब मैं लेफ्ट साइड को और मैं इधर को आ जाऊंगा, इस जंप को मैं ज़रा स्पेशल जंप कह रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल की जंप है, तो फिर यहाँ पे मुझे एक पावर एक और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक और जंप लग गई। आप देखें 0.96 × 10^6, ये एग्जैक्टली वही वाली चीज़ आ गई है। और एक चीज़ पे दोबारा एम्फसाइज करूँ कि आमतौर पे जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जैसे ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, तो एक रकम के बाद इशारिया लगाते हैं, उन्होंने इस तरह लिखा है, उनकी मर्ज़ी, हमें वो जो जंपे लगाने वाला और डायरेक्शन वाला असूल बरकरार रखना है, ठीक है। ये आ गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो है 1.005 × 10^-6। अब ये -6 है ना, ये -6 कैसे आया होगा? -6 से आपको पता ना कि जो जंपे लगाना शुरू करते हैं, तो जब हमारी जो भी रकम दी होती थी, आपको याद होगा कि जब हम राइट साइड पे जंप लगाते थे, ऐसे करके राइट साइड को मूव करते थे, तो तब जो है वो पावर नेगेटिव आती थी ना, ये नेगेटिव पावर, ये -6 वाली है। इससे मतलब ये कि फ़र्ज़ करो कि मेरी ये रकम लिखी हुई है, इसका मतलब ये कि इशारिया जो भी अभी यहाँ पे मौजूद है ना, वो इशारिया पहले कहीं इधर मौजूद था, उसने जंपे लगाई थी ऐसे करके, फिर यहाँ पे पहुँचा था, ऐसा ही हुआ था ना। तो जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, अब आपको इसको उल्टी जंपे लगानी है, तो ये लिखा ना 1005, अब इशारिया यहाँ है ना, ये इसको मैं एक जंप लगाऊंगा, तो ये एक काम हो जाएगी, 6 लगानी ना, एक जंप लगाई, दो लगाई, तीन लगाई, चार लगाई, पांच
पाँच लगाई और छः लगाई, ये देखें जी, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो ये आपका जवाब आ गया 0.0000, कितने पाँच हो गए, 1005, एक दो तीन चार पाँच छः, ये जवाब आ गया। ठीक है, एक तो तरीका था ये सॉल्व करने का, मैं ऐसा जवाब चेक कर लूँ, फिर मैं एक और चीज़ के बारे में आपसे बात करता हूँ। ठीक है जवाब इसका, इसको एक और तरीका तो खैर वही है, लेकिन देश सोचने का ज़रा अंदाज़ मुख्तलिफ है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको वो आसान लगे उस तरह कर लें। ये लिखा हुआ, अब वही पुराना वाला कानून कि जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा तो इशारिया ने राइट साइड पे मूव किया था, जैसे मैं इधर बात कर रहा था, तो इसका मतलब अभी इशारिया अगर इधर है तो पहले वो इशारिया कहीं यहाँ पे होगा, फिर वो इधर आया होगा ना इस पोजीशन पे, ये ऐसा ना, तभी यहाँ पे पहुँचा होगा ना, जंपे लगाई होंगी, तो उसने कितनी जंपे लगाई होंगी, छः जंपे लगाई थी, तो छः जंपे लगवाए ना ज़रा, एक जंप लगाई, फिर दो जंपे लगाई, ये जी आप तीन जंपे लगा दें, ये चार जंपे लगाई, ये पाँच और ये छः जंपे लगा के यहाँ पे पहुँच गए, ऐसे ही हुआ ना, ये छठी जंप आ गई, तो आपने छः जंपे लगवा ली तो ये वन तो उधर ही आएगा, ये 0.05। ठीक है, अब आपका ये मैं पुराने मतलब पहले बता रहा हूँ कि मतलब ओरिजिनली क्या हुआ होगा कि उसने छः जंपे लगा के यहाँ पे पहुँचा होगा ना, यहाँ पे पहुँच के, तो अब चूँकि हमने उल्टा काम करना है तो मुझे ये जो गैप्स हैं, जंप्स हैं ना, इनको फिल करना पड़ेगा, ये तो अब देखें, ये मैंने लगा के फिल कर लिया, अब ओरिजिनली चूँकि यहाँ से चला था तो ये उसकी पोजीशन आ गई, तो देखें ये आपका आंसर आ गया, डॉट 0.00001005 आंसर आ गया। तो इसमें मैं सोचने का अंदाज़ कुछ और था, इसमें मैं सोचने का अंदाज़ कुछ और है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ, मैं रिपीट किए देता हूँ कि मैं उल्टी जंप पे लगवा रहा हूँ, यहाँ पे इशारे लगवा रहे हैं, इसमें बता रहा हूँ कि जब ओरिजिनली उन्होंने लिखा होगा तो वो आपका इशारिया इधर होगा, फिर वो जंपे लगा के इधर पहुँचा होगा ना, छः जंपे लगा के यहाँ पहुँचा होगा, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तो ओरिजिनली फिर क्या पोजीशन होगी, वो जितनी जंपे थी वो मैंने जंपे बनाई और जहाँ अदद है वहाँ अदद लिख दी, जहाँ अदद नहीं है वो मैंने ज़ीरो लगा दिए, तो ये ओरिजिनल पोजीशन आ गई, तो ओरिजिनल पोजीशन ही हमारी वो नॉर्मल नोटेशन है ना, जिससे हमने ये साइंटिफिक नोटेशन उन्होंने बना के लिखाई और हमें कहा कि वापस जाएँ इसके अंदर, तो दोनों में से आप जिस तरह सोचना चाहें। क्वेश्चन नंबर 9 करने लगा हूँ मैं, 1.5 × 10⁻⁸। अब मैं ना इसको दोनों तरीक़ों से करता हूँ ताकि ना आपको जो भी पसंद आए उसकी, तो दोनों तरीक़ों की एक्सरसाइज ज़रा दोबारा हो जाए, फिर आपको जो पसंद आए आप चूज़ करना आपके लिए आसान हो। अब 10⁻⁸ है ना, इसका मतलब ये कि ओरिजिनली वो राइट साइड को मूव किया होगा उसने, इशारिया ने राइट साइड को जंपे लगाई थी, और कितनी जंपे लगाई थी, 8 जंपे लगाई थी, तभी पावर नेगेटिव आई है ना, तो अब इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको नॉर्मल नोटेशन में लेके जाना चाहूँ इस इशारिया को, ये जो इशारिया है, तो मुझे उल्टी जंपे लगानी पड़ेगी, उल्टी लगानी कितनी लगानी पड़ेंगी, 8 ना, क्योंकि वापस जा रहा हूँ, जितनी लगा के आया था उतनी लगा के जाऊँगा ना, तो जी एक, चलो जी इशारिया इधर आ गया, अब दो, ये दूसरी जंप लगाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो लगाऊंगा, एक और जंप लगाई, तीन, यहाँ तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो लगाना पड़ेगा, अब मैं ज़रा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि 8 लगानी थी जगह ज़रा कम है, ये जी 4, एक और जंप लगाई जो कि 5वीं जंप थी, गैप को फिल करने के लिए 0 लगाया, एक और जंप लगाई 6ठी, गैप को फिल करने के लिए 0 लगाया, एक और जंप लगाई 7वीं, गैप को फिल करने के लिए 0, और एक और जंप लगाई 8वीं, गैप को फिल करने के लिए 0, और यहाँ पे इशारिया पहुँच गया, ये इशारिया यहाँ पहुँच गया, तो जवाब आ गया 0.0, कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 5, ये जवाब आ गया, जवाब को चेक कर लूँ। ठीक ही लग रहा, अच्छा अब दूसरे जो मैंने तरीका बताया था उससे करते हैं,
इसको मुझे इधर करके लिखना चाहिए, 1.5 इंटू 10 रेस पर माइनस 8। अगेन चूँकि पावर नेगेटिव है तो इशारिया, ये जो इशारिया अभी यहाँ पहुँचा हुआ है ना, ये नॉर्मल नोटेशन में मैं इसको ठीक करके ज़रा लिखता हूँ, एक सेकेंड ज़रा। ये अभी जो इशारिया यहाँ पहुँचा हुआ है ना, ये शुरू में यहाँ कहीं होगा ना, फिर उसने जंप पे लगाई और यहाँ पहुँच गया। तो उसने कितनी जंप पे लगाई थी, 8 लगाई थी ना। तो देखें, एक जंप 0 लगा दिया, दूसरी जंप 0 लगा दिया, तीसरी जंप 0, चौथी जंप 0, पांचवी जंप 0, छठी जंप 0, सातवीं जंप 0। अब देखें ये एक मौजूद है, इस केस में तो एक है, मे बी किसी केस में इधर और भी रकमें लिखी हूँ, तो फिर आपने यहाँ 0 नहीं लगाने, यहाँ जो जितनी भी रकमें हैं हिंट से हैं उनको उनकी पोजीशन देनी है। ये 8 आ गया और ये 1 इधर आ गया और ये आपका 5। तो जवाब क्या आ गया, पॉइंट 0, गिने ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, आके 1 और 5, ये आपका जवाब आ गया, जो कि वही वाला बताने में आपको यहाँ ये लगा था कि अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे रकम 2 3 ऐसे करके लिखे हो, 3 to 1.5 हो, तो फिर आपने ये 2 0 नहीं लगाने, क्योंकि देखे ना ये स्केल, ये एक पैरेलल लाइन लगाई हुई है इशारे वाली, इसके इधर देखें ये 3 रकमें हैं ना, तो फिर यहाँ जो 3 जंपे हैं उसके लिए फिर यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा, वहाँ खाम खा 0 नहीं लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, 0.225 × 10⁻¹¹। अच्छा जी, ये मैं ना दोनों से कर देता हूँ, चलो अब अगेन नेगेटिव है तो ओरिजिनली यहाँ पे होगा, उसने राइट साइड पे जंपें लगाई होंगी, फिर इशारिया यहाँ पहुँचा है, 7 जंप्स लगाई होंगी उसने, ठीक है, तभी पावर नेगेटिव आई है। तो अब हमने चूँकि वापस जाना था, हम उल्टी जंपें लगाएंगे, एक जंप लगाई, एक और जंप लगा लें, अब चूँकि यहाँ हिंसा कोई नहीं है तो 0 लगा दिया, ये 0 है, इसको हिंसा मानना आपने, ठीक है, फिर एक और लगा दिया 0, एक और लगा दी जंप 0 लगा दिया, एक और जंप लगा दी 0, एक और जंप लगा दी, छठी जंप 0, एक और लगा दी, देखे 7 प्री जंप्स होगी, यहाँ 0 लगा दी और यहाँ इशारिया पहुँच गया आपका, ये इशारिया, तो इशारिया यहाँ से चल के, यहाँ से चल के आपका इशारिया ये यहाँ पहुँच गया, तो जवाब आ गया 0.00070, 4 5 6 7 2 2 5। जवाब चेक कर लूँ मैं, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, 0.225 × 10⁻¹¹ लिखा हुआ, तो जी ओरिजिनली इशारिया कहीं यहाँ पे होगा, तभी वो जंपे लगा के इस पोजीशन पे पहुँचा ना, इस पोजीशन पे 7 जंपे लगाई थी उसने, पहली जंप लगाऊँ उसके लिए मुझे 0 लगा लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है ना, स्पेस को फिल करने के लिए, दूसरी जंप लगाई 0, तीसरी जंप लगाई ये 0 इधर लिखना है मुझे, चौथी जंप लगाई 0, इसको मैं मिटाने लगा, ये कन्फ्यूजन ना पैदा करे, पांचवी जंप लगाई 0, छठी जंप लगाई 0 और ये 7वीं जंप लगाई मैंने, यहाँ पहुँच गया हूँ और ये 0 मैंने इधर उतार लिया, तो देखें जवाब आपका आ गया, जवाब क्या आ गया, 0.000000225। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कहते हैं कि मुख्तसर की जो जवाब साइंसी तरकीब यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, 4.66 × 10⁻¹⁷
over 2 into 10 to the power 4. मैं ये करने लगा हूँ पहले कि ये पावर 4 है, ये 7 है, ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी, मैं नीचे वाली को ऊपर ले जाता हूँ. तो 4.66 over 2 into 10 to the power 7 minus 4. तो ये आ गया 4.66 over 2 into 10 to the power 3. आप देखें 4.66 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 2.33 into 10 to the power 3. आप इस चीज़ को इधर भी कर सकते थे उसी स्टेप में, लेकिन बहरहाल मैंने ज़रा समझाने के लिए ऐसे किया था. आप ये जवाब साइंटिफिक नोटेशन में ऑटोमेटिकली आ गया, तो मेरा ख्याल है जवाब हमारा ठीक होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, कलर ज़रा चेंज करते हैं ज़रा. 6.12 into 2 into 10 raised to power 6 over 10 raised to power 2. अब ये 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 2 है, मैं इसको ऊपर लेके जाने लगा हूँ. 6.12 into 2 into 10 raised to power 6 minus 10 2. तो ये आ गया 6.12 into 2 into 10 raised to power 4. अब 6.12 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा ऐसे into 10 raised to power 4. अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इस इशारिया को यहाँ लेके आना, लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं, तो ये 1.224 into 10 raised to power 5, एक पोजीशन मूव किया ना, तो चार पहले ही इसमें एक और डाल दें, 5 हो जाएगा. ये जवाब आ गया 1.224 into 10 raised to power 5. बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी, अगला करते हैं सवाल. अगर रोशनी की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने दी हुई है 2.99793 into 10 raised to power 10, ये लिखी सेंटीमीटर पर सेकंड. कह रहे हैं कि इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, किलोमीटर पर सेकंड. अब ये क्वांटिटी छोटी है ना, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, जब छोटी क्वांटिटी को आप बड़ी में कन्वर्ट करें तो वो चीज़ जो वैल्यू है वो छोटी हो जाती है. मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि ये चीज़ सेंटीमीटर में दी हुई है, 2. अभी भूल जाएं कि ये 10 की पावर 10 लिखा, इसको भूल जाएं, सिर्फ सेंटीमीटर की बात करूँ. सेंटीमीटर एक छोटा पैमाना, सेंटीमीटर से आपने किलोमीटर में जाना तो वो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी. मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि बल्कि पहले ना इसको समझ लेते हैं, जिन लोगों को नहीं पता फिर आगे सवाल हल करते हैं. छोटी से बड़ी, अगर आपने छोटी क्वांटिटी, मिसाल के तौर पे सेंटीमीटर है, उससे बड़ी क्वांटिटी जो कि किलोमीटर है, किलोमीटर बड़ा होता है ना सेंटीमीटर से, छोटी से बड़ी में जाना हो तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, और छोटी हो जाती है. जो बड़ी क्वांटिटी है जब वो छोटी में जाती है ना, कन्वर्ट करते हैं, तो वो और बड़ी हो जाती है. मिसाल देता हूँ आपको, पता ना कि बहुत बड़ी सादा मिसाल, एक सेंटीमीटर बराबर है, नहीं बल्कि ऐसे समझें कि एक मीटर बराबर है 10 सेंटीमीटर के. आपको पता ना इस चीज़ का, एक मीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर, नहीं सेंटी 100 होता है, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी मैं गलत कह रहा था, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है. तो छोटी क्वांटिटी क्या है, 100 सॉरी छोटी क्वांटिटी सेंटीमीटर है, यहाँ किलोमीटर है ना. अब ऐसा करते हैं कि ये तो मैंने सवाल वाली सेंटीमीटर और किलोमीटर उतार ली ना, तो एग्जांपल के लिए मैं ना इधर लिख लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेम हो. मैंने कि मिसाल अगर मीटर और सेंटीमीटर की दी, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी वही होता कि आपके लिए मुश्किल ना हो. तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सेंटीमीटर छोटी है और मीटर बड़ी, मैं किलोमीटर काट देता हूँ. मकसद तो मुझे कॉन्सेप्ट देना ना, ये सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है, मीटर बड़ी है,
तो छोटी से जब आप बड़ी में जाएंगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, बड़ी को अगर आप छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी। बड़ी से वैल्यू मीन्स मतलब ये कि उसका जो हिंस है वो बड़े हो जाएंगे। अच्छा अब मैं इस मिसाल को लेता हूँ कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो इसमें आपको पता चल गया ना कि बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, मीटर बड़ा होता है, और ये क्वांटिटी सेंटीमीटर छोटी होती है। तो देखें आपके पास अगर 100 सेंटीमीटर हो, इसको भी मैं कलर चेंज करता हूँ एग्जांपल का मिक्स ना हो, आपके पास एक 100 सेंटीमीटर, इनको मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ किस में, मीटरों में, जो कि एक बड़ी क्वांटिटी है। तो मैंने कहा था ना जब आप इस तरह जाएं तो वो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पहुँच के मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा ना। तो अब आप जनाब कंपेयर करें कि यहाँ वैल्यू 100 थी, यहाँ वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू छोटी हो गई ना। अब मैं इसका उल्टा करता हूँ कि मेरे पास 1 मीटर है, मीटर को मैं जनाबे वाला कन्वर्ट करके सेंटीमीटर बनाना चाहता हूँ। 1 मीटर है मेरे पास, 1 मीटर जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तब आप यहाँ पे देखें क्या हुआ कि क्वांटिटी एक सी बड़ी, जब मैंने छोटी में कन्वर्ट की तो क्या हो गया, वो तो बड़ी होगी ना, वैल्यू 100 होगी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ऑफ कोर्स वो मतलब एक्चुअली वो बड़ी नहीं होती, लेकिन ये हिंसा बड़ा हो जाता है क्योंकि आपका यूनिट छोटे हो जाते हैं ना, तो यूनिट छोटा हो जाता है लेकिन फिर ये चीज़ बड़ी होती है। लेकिन मैं मेरा फोकस सिर्फ ये है कि ये 1 लिखा था या 100 हो गया, ये 100 लिखा था या 1 हो गया। तो अब मैं वापस आता हूँ अपने सवाल की तरफ, कोशिश करते हैं इधर ही कर लें ताकि ये हेल्प करे आपको। अच्छा अब आपने सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो चीज़ है और छोटी हो जाएगी इसके मुताबिक, ठीक है। अब कितनी छोटी होगी ये सवाल है कि सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए रेशो क्या है, वो हमें मालूम करनी है, वो इस पे अप्लाई करेंगे। अब दूसरे लफ्ज़ में मैं पूछ आपसे ये रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर हो तो वो कितने किलोमीटर्स के बराबर होता, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होता है, ये मुझे मालूम करना है ना, इस जवाब यहाँ पे मैं इधर थोड़ा सा हल करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर के, ठीक है। ठीक है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर के। अच्छा अब जो 0.01 मीटर होता है ना, अब ये मीटरों में, अगर मीटर से भी मुझे किलोमीटर्स में लेके जाने हैं तो फिर छोटी से बड़ी में जाना होती और छोटी होगी, तो वो क्या होगी, वो 1000 की रेशियो होती है, तो फिर मुझे देखें 3 सिफरे और लगाने पड़ेंगे किलोमीटर। एक ये था सिफर, 3 मुझे और लगाने पड़े, तो ये क्या वैल्यू आएगी साइंटिफिक नोटेशन में, 10 रेज टू पावर 1, 2, 3, 4, 5, 1 × 10⁻⁵। ये रेशियो जी कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁵ किलोमीटर की, ये रेशियो आपकी आई है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁵ किलोमीटर्स के, 1 × 10⁻⁵ किलोमीटर्स की। तो जब मैंने इस 2.99 को अब कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब मुझे चूंकि क्या करना है कि ये सेंटीमीटर जो है ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है, इतने के, तो मुझे इतने से ज़रब देनी पड़ जाएगी। ठीक है अब आप देख लें ये 10⁻⁰ है, 10⁻⁵ है, इसको हल करें, अगर इस चीज़ को मैं इससे ज़रब दूँ तो 1 नहीं रहेगी, तो ये 2.99 नहीं आएगी। अब 10⁻⁰ - 5 बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, मैंने ऐड कर दी, तो
2.99793 into 10 raised power 5, ये जवाब आ गया आपका जी, ये जवाब है और लिखना आपने किलोमीटर्स पर सेकंड है। अच्छा सवाल आपका हो गया, मैं एक दो चीज़ें ज़रा पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें सिर्फ सेंटीमीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना था, जबकि ये पर सेकंड वही रहा है। मे बी कोई ऐसा सवाल हो मे बी जिसमें हमें नीचे वाली भी क्वांटिटी चेंज करनी हो, तो फिर हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके बारे में क्या करना है। तो मैंने कहा आपको पॉइंट आउट कर दूँ, ठीक है। 13वां सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इस ज़मीन का जो रेडियस है, ये हमारी ज़मीन है, उसका ये रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। इसे मीटरों में तहवील करें यानी कि इसे मीटरों में कन्वर्ट करें और जवाब साइंसी तरकीब में लिखें, यानी कि सॉरी इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना। तो एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, ठीक है। तो पिछले सवाल के मुताबिक मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी क्वांटिटी जब छोटी में कन्वर्ट होगी तो वो वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू बड़ी को जब मैं छोटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 6400 ये किलोमीटर है लिखा हुआ ना, तो किलोमीटर को मैं किलो को रिप्लेस करने लगा हूँ 1000 से, इंटू 1000 मीटर आ गया। ये सर ये कुछ भी नहीं है, इसको बल्कि मैं मिटा ही देता हूँ। तो ये क्या क्या 64, 1, 2, 3, 4, 5 सिफर आ गए मीटर। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, यहाँ इशारिया लगेगा तो कितने जंपे लग रही हैं इशारिया की, यहाँ से यहाँ पे आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, नीली रोशनी का तूले मौज यानी कि उसकी वेवलेंथ जो है ना, वो वेवलेंथ बराबर है 4.5 × 10⁵ सेंटीमीटर। इसे मीटरों में तहवील कीजिए। अब आपने कन्वर्ट करना है इसे मीटर्स में, छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी में जा रही है, जवाब और छोटा होगा। सेंटीमीटर और मीटर में ये होता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 मीटर के। तो अब आपको वो जो इकाई का कुलिया था वो याद होगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 1/100 मीटर के। तो 4.5 × 10⁵ सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे, 1/100 × 4.5 × 10⁵। मैं इधर बल्कि लिख देता हूँ, ऐसे कर लें, ये सब शायद बेहतर तरीका है। 100 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 मीटर के, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, इकाई का कुलिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1/100 मीटर के। तो 4.5 × 10⁵ सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे, 1/100 × 4.5 × 10⁵ सेंटीमीटर के, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर के, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1/10⁻²  × 4.5 × 10⁵। इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, 4.5 × 10⁵ −2, 4.5 × 10�³। अब जवाब ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको आम तरकीब में लिखें, तो ये क्या होगा 4500 जी, जवाब ठीक है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म होगी। इंशाल्लाह हम अगले वाले वीडियो से जो है वो
लॉगरिथम शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह सिलसिला चलता जाएगा और अपने यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम।